सड़क हादसे में 6 मृत लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी। प्रौद्योगिकी मंत्री को सीतामढ़ी में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता राशि उनको मिल जाएगी। इससे पहले मंत्री सीतामढ़ी डीएम मनीष कुमार मीना सहित अन्य संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से मिलकर मृतक के परिजनों को अविलंब सहायता राशि मुहैया कराने का निर्देश दिया। मृतक के परिजन मंत्री इसराइल मंसूरी के पहुंचने से काफी खुश दिखे। उनका साफ कहना था कि बीते बुधवार को ही ट्रक और टेम्पो के भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब तक जिले के कोई भी विधायक या सांसद पीड़ित परिवार का हाल चाल पूछने नहीं पहुंचे। बता दें कि बीते मंगलवार को बाजपट्टी प्रखंड के हरपुरवा गांव निवासी मोहम्मद जाबिर नदाफ के बेटे मोहम्मद इमरान की शादी थी। शादी खत्म होने के बाद उनकी पुत्री अपने परिजनों के साथ अपने घर लौट रही थी। ऑटो में कुल 11 लोग सवार थे। इसी दरमियान सीतामढ़ी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के मगोलवा गांव के नजदीक ठोकर मार दिया। इस घटना में कुल 6 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मरने वाले में ऑटो चालक बाप बेटा शामिल था, जो कि हरपुरवा गांव का ही रहने वाला था। अन्य मृतक सोनबरसा थाना क्षेत्र के बसैया व एक लौदी की रहने वाली थी। इतना भीषण सड़क हादसे की खबर मिलने के बाद भी बाजपट्टी सीतामढ़ी व परिहार विधानसभा के विधायक के कान पर जू तक नहीं रेंगा। जबकि सड़क हादसे में मरने वाले में बाजपट्टी एवं परिहार विधानसभा के लोग शामिल है। हद तो यह है कि सड़क हादसे से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू का भी घर है। मंत्री इसराइल मंसूरी के साथ पूर्व सांसद अर्जुन राय, पूर्व विधायक सुनील कुमार, राजद नेत्री रितु जसवाल, बाजपट्टी प्रमुख अफजल हुसैन अंसारी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। दुखद घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी ही दुखद घटना है और हम लोगों को तो सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से और कुछ साथी ने भी हम लोगों को बताने का काम किया, लेकिन चूंकि अभी इतना व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है और सब जगह शादी विवाह का ओकेजन शुरू है, एमपी साहब भी फंसे हुए थे, आई भी वो बाहर चले गए थे कि इलाज के क्रम में, लेकिन जानकारी जैसे ही लगी कि भाई 6 लोगों का एक साथ दुर्घटना होना, मृत्यु हो जाना, ये सामूहिक दुर्घटना है और काफ़ी हम लोग आहत है और सभी गरीब तबके के लोग थे और इनको कैसे कॉम्पनसेशन मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, पुरसा हाल किए हैं। दोनों तीनों परिवार, जिस परिवार के लोग मरे हैं, तमाम लोगों से हम लोगों ने मिलकर के संतावना देने का काम किया है और जो भी सामाजिक दायित्व हो सकता है, एक सामाजिक दायित्व के तहत हम लोगों ने मदद करने का भी काम किया है। लेकिन आगे भी कैसे अकॉर्डिंग टू लॉ, सरकार के नियमानुसार उनकी जो भी संभव है तमाम सहायता उनको दी जाएगी, ये हम लोग जो है सब प्रयासरत है। जिलाधिकारी से भी बात हुई है, तमाम पदाधिकारियों से बात हुई है और जो भी कॉम्पनसेशन होगा हम बुक रहेगा। आपदा वाली जो सहायता राशि है वो कितने दिन में मिल जाती है? कई बार स्पॉट पे भी मिल जाता है। देखिए, कुछ इसमें परिवर्तन हुई है, हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसमें कुछ अलग गाइडलाइन अपनाने के काम किया है, तो देख लेते हैं जो गाइडलाइन होगा, जो टिल एंड डेट जो भी नियमता होगी वह कार्रवाई पूर्ण होगी। सड़क हादसा बड़ा होता है यहाँ पर, इस रोड पर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? पदाधिकारी यहाँ पर लेट पहुँचे थे, यहाँ पर जो है 2 घंटा लेट पहुँचे थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि जो पुलिस पदाधिकारी वो लेट पहुँचे 2 घंटा, ऐसी घटना हो जाए लेट। देखिए, घटना कोई भी घटना कहीं अटेंडम घटती है, आपराधिक घटना हो तो आप